हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पूरे मंथ में कोई एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो नहीं अपलोड करा है। दिस विल बी माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिसंबर, जो कि दिसंबर के एंड में आ रही है। सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू अ लॉट ऑफ न्यू पीपल हु हैव यू नो जॉइंड माय फैमिली। सो थैंक यू सो मच। एंड या आई हैव टू अपोलोजाइज टू यू ऑल बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग, मुझे फिर वो एनर्जी नहीं आ रही थी दैट यू हैव टू शूट फॉर समथिंग एंड ऑल बिकॉज ऑफ माई हेयर कट। अभी 2-3 हफ्ते हो चुके हैं एंड आई एम टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ माई हेयर ताकि मेरे बाल थोड़े जल्दी बढ़ जाए। एंड आई एम लाइक यू नो बेसिकली इन्वेस्टिंग माई टाइम इन टू माई हेयर केयर, जो कि मैं पहले बिल्कुल भी नहीं करती थी। एंड इसके रिजल्ट आई एम श्योरली एम सो लेट्स जम्प ऑन टू टूडेज वीडियो। तो आज के वीडियो का टॉपिक इज वेरी यू नो इंटरेस्टिंग। सो आई सॉ अ वीडियो ऑफ फेशियल मसाज। सो आई सॉ दिस वीडियो ऑफ विभूति अरोड़ा एंड ये बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ हर यू नो फेस योगा एंड एवरीथिंग। शी इज़ वेरी फिट इन पर्सन। सो आई ट्राइड फॉलोइंग दैट यू नो फेशियल मसाज फॉर अ वीक एंड इन दिस वीडियो गोना गेट द रिजल्ट। आज के वीडियो में यू विल सी द रिजल्ट कि एक हफ्ते फॉलो करने के बाद ये मसाजिंग रूटीन एंड एवरीथिंग हाउ इट गोज। So yeah, let's get on into the video. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seemed to leave her head intent. ए वन पे मुझे जेन्युइनली विजिबल डिफरेंस दिखने लगा था। सो आई कंटिन्यूड मसाजिंग एंड ऑयल। मैंने ये मसाज आई गेस 5 or 6 डेज के लिए फॉलो किया था एंड तब मेरे बाल लंबे थे एंड उसके बाद मैंने हेयर कट कर लिया एंड आई वेंट टू अ ट्रॉमा, फिर मैंने बंद कर दिया था। बट मुझे रिजल्ट्स दिखे गाइस, लिटरली मुझे रिजल्ट्स दिखे। एंड मैं ये चीज बताना चाहूंगी, मैंने बंद कर दिया बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग गुड इन माई सेल्फ, क्योंकि मेरे बाल कट गए थे एंड आई वॉज लाइक यू नो बाल से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था। तो दैट्स वाई आई स्टॉप डूइंग इट। मैंने आई थिंक मैंने 1-1.5 हफ्ता अपना कोई केयर वगैरह कुछ नहीं किया था। फिर मुझे याद आया कि नो आई हैव टू डू थिंग्स इन माई लाइफ, सो फिर मैं आगे बढ़ी एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग। आई एम श्योर दैट यू विल सी रिजल्ट इफ यू फॉलो द यू नो फेशियल योगा। नॉट लाइक बेला हदीद इन द थंबनेल, बट या यू कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ विथ योर फेशियल मसाज। यू कैन स्कल्प्ट योर फेस एंड यू कैन गिव अ न्यू structure to your face. So I definitely felt like my jawline is a lot more sharp now. And ये वाला fat तो ये तो angle की वजह से होता है। I think मैं ऐसे करूँगी तो बहुत fat लगेगा and ऐसे करूँगी तो बिल्कुल fat नहीं लगेगा। So ये तो रहता ही है, I guess ये सबका है। बाकी yeah, when you come to cheekbones, I can see जब मैं बात कर रही हूँ, so I can see this, you know, ये जगह थोड़ा सा से lift अंदर होते हुए, I can see a lift in my face like this. अगर मैं बात कर रही हूँ तो yeah. So this is again a prominent and visible result of the massage, I would say. And eyebrows, yeah, definitely eyebrows do lift up a little. And the result, I would say, I would give you some tips like, you know, कुछ अलग से facial oil में invest करने की ज़रूरत नहीं है. You don't need any, you know, facial massaging tools, you know, the gua sha and jade roller, anything. You can just use your knuckles, very prominent thing, and this is natural. So अपने fingertips and अपने knuckles का use करके you can do a facial massage, that is very helpful. And yeah, don't invest in, you know, facial oils and facial massaging tools, never. ये सब चीज़ें जो सीरम या इवन इफ यू हैव अ मॉइस्चराइजर, इफ यू हैव ऑलिव ऑयल एट योर होम, यू कैन जस्ट गो विद दैट। माई जॉ लाइन इज अ चेंज, प्रोमिनेंट चेंज आई वुड से, या इट इज विजिबल ऑन माई फेस। सो या दैट्स इट अबाउट द वीडियो एंड दैट्स इट अबाउट माई फेशियल मसाज। मैंने अभी इसको कंटिन्यू नहीं किया है, बाकी आई एम गोना सून कंटिन्यू इट अगेन।
फिर से. सो या दैट्स अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो. अगर हाँ तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल. एंड या आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. बाय.